हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्केच की आउटलाइन ड्रॉ करके दिखाई थी, हेयर ड्रॉ करके दिखाई थी और आईज, नोज और लिप्स ड्रॉ करके दिखाए थे। सो आज हम इस स्केच की लास्ट वीडियो है, फोर्थ वीडियो और लास्ट वीडियो होगी। इसमें मैं आपको शेडिंग करके दिखाऊंगा। इसमें मैं फेस शेडिंग करूंगा और बाकी जो बॉडी का पोर्शन है वो कराऊंगा, और उसमें भी सिर्फ शेडिंग ही है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्केच ड्रॉ करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम शेडिंग करेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फेस है, ये मैंने पोर्शन छोड़ा हुआ है। यहाँ पर हम सबसे पहले शेडिंग के लिए क्या करेंगे, लाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर HB पेंसिल का यूज़ करूंगा। रेफरेंस फोटो के हिसाब से हमने शेडिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं लाइट पेंसिल का यूज़ करूंगा। और शेडिंग हमेशा आप लाइट पेंसिल का यूज़ करें सबसे पहले, उसके बाद ही डार्क पे जाएं। तो मैं यहाँ पर आपको शेडिंग करके दिखाऊंगा लाइट पेंसिल से। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप HB का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम HB पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले लाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे HB का कर रहा हूँ। और एक ही डायरेक्शन में हम शेड करेंगे, आपने जैसे रेफरेंस फ़ोटो में है उस हिसाब से शेडिंग करनी है। जैसा रेफरेंस फ़ोटो में आपको शेड का कलर है वैसा शेड आपको लाना है, इसलिए जितनी लेयर्स आप ऐड करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक HB पेंसिल से पहले एक बेसिक लेयर ऐड की है, अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पर मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो कॉटन का, ब्लेंडिंग स्टम्प्स का या टिश्यू पेपर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है। और बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आप करेंगे और बिल्कुल पेशेंटली करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छे से स्केच ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर हम ब्लेंडिंग करेंगे, और ब्लेंडिंग ज़रूर करें, ब्लेंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट, उससे स्मूथ टेक्स्चर मिलता है। जब आप शेडिंग करते हैं तो लाइन्स जो होती हैं वो थोड़ी अलग हो जाती हैं, उनको मैच करने के लिए आप यहाँ ब्लेंडिंग करते हैं। सो अब यहाँ आप जैसे देख सकते हैं, मैं एक लेयर ऐड कर रहा हूँ। जब तक मुझे वो रेफरेंस फ़ोटो की शेड नहीं मिल जाती तब तक मैं लेयर ऐड करता रहूँगा, और उसी बिल्कुल रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से ही आपने शेडिंग करनी है। शेडिंग काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसमें, बस ये है कि बेसिक एक आपको एक चीज़ समझनी है कि आपने सबसे पहले एक लाइट शेड ऐड करनी है, उसे ब्लेंड करें, फिर उसके ऊपर एक और लेयर ऐड करें, फिर उसे ब्लेंड करें, और तब तक करते हैं जब तक जो आपका एक बेसिक शेड है रेफरेंस फ़ोटो का वो ना मिल जाए। जैसे ही आपको वो शेड मिल जाए और स्मूथ हो जाए आपका स्ट्रक्चर, आपका शेडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और बिल्कुल वैसे ही आपने करते रहना है। यहाँ आप देख सकते हैं फोरहेड मैंने किया और काफ़ी अच्छा हुआ, अभी मैंने सिर्फ दो बेसिक लेयर ऐड किया और दोनों मैंने HB पेंसिल ही ऐड की थी। और यहाँ पर ब्लेंडिंग देख सकते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग काफ़ी एक स्मूथ टेक्स्चर लाने के लिए होती है। अब मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग पेंसिल का यूज़, ये B पेंसिल है, इसका इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जो थोड़ा रेफरेंस फोटो में जहाँ डार्क पोर्शन है वहाँ पर ऐड करने के लिए मैं कर रहा हूँ। और उसी तरीके से आपने भी हर पूरे फेस पे, बॉडी पे ऐसे ड्रॉ करना है। सो अब आगे आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जैसे यहाँ ऐड किया बिल्कुल वैसे ही सेम मेथड से मैं बाकी पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ।
सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फेस ड्रॉ हो गया हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट डार्क पोर्शन मैंने कंबाइन किया है। सेम जैसे मैंने आपको बताया था, पहले मैंने लाइट की बेस एक ऐड की, फिर मैंने उसे और लाइट से ही एक और लेयर ऐड की, और फिर उसके बाद मैंने डार्क पोर्शन का ऐड किया। जहाँ जहाँ पर डार्क पोर्शन आपको रेफरेंस फोटो में है वैसे वैसे आपने ऐड करना है, और बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करें। ये एक वीडियो मैं आपको खाली बताने के लिए बताना चाहता हूँ इसमें एक कि कैसे हम ड्रॉ कर सकते हो आप, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, इसे एक बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने एक सिंपल बेसिक लेयरें ऐड की हैं और आपको ऐड करके आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कर रहा कि आपको ज़्यादा, क्योंकि अगर जब हम कोई स्केच बनाते हैं तो काफ़ी डिटेलिंग करते हैं, बिल्कुल रेफरेंस फोटो की एक एक डिटेलिंग हम ऐड करते हैं, बट यहाँ पर एक आपको एक बेसिक आइडिया देना है इसलिए मैंने आपको बताया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर फेस ऐड शेडिंग हो की है, फेस पे शेडिंग। अब हम बाकी जो बॉडी पोर्शन है वो बनाएंगे, और वो सिंपल वैसे ही शेड करना है जैसे मैंने फेस पे किया, और सेम वैसे ही जैसे रेफरेंस फोटो में डार्क पोर्शन है, जहाँ लाइट पोर्शन है वहाँ पर उस हिसाब से लेयर से ऐड करेंगे और वैसे ड्रॉ करेंगे।
सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्केच ड्रॉ हो गया हुआ है और बिल्कुल शेडिंग मैंने कर दी है और बिल्कुल जैसे रेफरेंस फोटो में थी बिल्कुल वैसे की है। और मैंने बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश की है ताकि ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गया मैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया मैंने। सिंपल एक दो शेड पेंसिल ही यूज़ किए ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि शेडिंग कैसे करते। बाकी अगर मैं इसको डिटेलिंग में करता तो और अच्छा बन जाता, बट मैंने सिंपल रखने की कोशिश की ताकि आपको पता चले कैसे ड्रॉ होता है, कैसे ड्रॉ। आप देख सकते हैं यहाँ पर फेस शेडिंग कर ली है मैंने और यहाँ पर बॉडी शेड, हेयर, हैंड और क्लोथ जो मैंने ड्रॉ किए, बिल्कुल ऐसे ही आपने हर एक स्केच हम ड्रॉ करते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट वैसे ही ड्रॉ होता है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ड्रॉ हुआ हुआ है। मैं और डिटेलिंग कर सकता बट मैंने नहीं की है आपको दिखाने के लिए, खाली एक वीडियो बनाने आपको दिखाने के लिए मैंने स्केच इसको सिंपल रखने की कोशिश की है। सो आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा ड्रॉ हुआ। और सेम इसी मेथड से अगर ऐसे ही आप करेंगे तो आपका भी हर एक स्केच ड्रॉ हो सकता हुआ है। और रेफरेंस फोटो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहली वीडियोस में भी मैंने दिया हुआ है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आप भी ड्रॉ करें और देखें कि कैसे ड्रॉ हो रहा है और रेफरेंस फोटो के हिसाब से ही ड्रॉ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।